मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं वो इस वक्त अपने नए आवास पर पहुंचे। कनिक ये तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने नए घर पर गृह प्रवेश के लिए जो है वो पहुंच रहे हैं। 5 फिरोजशाह रोड, दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने पद से इस्तीफा दिया, उनका नया पता है और ये घर चूंकि आवंटित है अशोक मित्तल को, जो कि राज्यसभा सांसद है आम आदमी पार्टी के। ऐसे में देखिए, अशोक मित्तल का जो पूरा परिवार है वो अरविंद केजरीवाल के स्वागत के लिए मुख्य द्वार पर इस वक्त उपस्थित है। फूल के गुलदस्तों से अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार का यहाँ पर स्वागत जो है वो किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन्स पर जो आप देख रहे हैं, ये दिल्ली के 5 फिरोजशाह रोड से देख रहे हैं, जो कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का नया पता है। और अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के साथ अब यहाँ पर शिफ्ट हो चुके हैं। ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, बंगला नंबर 5 फिरोजशाह रोड में शिफ्ट हुए हैं अरविंद केजरीवाल। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, पूर्व सीएम केजरीवाल अपने नए घर में शिफ्ट हो गए हैं। अब आधिकारिक तौर पर ये घर जो है वो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल को आवंटित है। और ऐसे में अशोक मित्तल अपने पूरे परिवार के साथ घर के बाहर अरविंद केजरीवाल को रिसीव करने के लिए पहुंचे। आरजू सेठ सीधा हमारे साथ लाइव 5 फिरोजशाह रोड से जुड़ रही हैं। आरजू, तस्वीरें हमें लगातार नजर आ रही हैं, अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल चंदन, देखिए अरविंद केजरीवाल अभी जस्ट अभी अभी अंदर पहुंचे अपने नए आवास पे 5 फिरोजशाह रोड पे। तस्वीरें जो है मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो दिखाएं किस तरीके से उनके स्वागत की तैयारी की गई है। 2 गाड़ियों में, पहली गाड़ी में उनके माता पिता जो है वो बैठे हुए थे और दूसरी गाड़ी में अरविंद केजरीवाल खुद और उनकी वाइफ सुनीता केजरीवाल जो है वो बैठी हुई थी। और प्रवेश जो है उन्होंने नए घर में कर लिया है और यहाँ पर जैसे ही वो पहुंचे गुलदस्ते के साथ उनका स्वागत जो है वो किया गया है। फिलहाल अभी वो अंदर जा चुके हैं, पूरी सिक्योरिटी जो है वो घर के बाहर जो है खड़ी हुई आपको नजर आ रही होगी। तमाम तैयारियां जो है वो की गई है। कयास लगाए जा रहे थे आखिर अरविंद केजरीवाल कहां जाएंगे, क्योंकि जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ा था उसके बाद उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि वो मुख्यमंत्री आवास जो है वो भी छोड़ देंगे, जिसके बाद कई जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, एमएलए हैं, उन्होंने अपना घर जो है वो उनको ऑफर किया था, जिसके बाद अशोक मित्तल उनका घर फाइनल हुआ, जिसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपने आप को बहुत सौभाग्य वाला मानता हूँ कि अरविंद केजरीवाल अब मेरे घर में आकर रहेंगे और उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो फिर हम तस्वीरें जो है आपको 5 फिरोजशाह रोड की दिखा रहे हैं, जो कि अब अरविंद केजरीवाल का नया आशियाना जो है वो होने वाला है। अब अरविंद केजरीवाल यहीं से, चाहे वो विधानसभा हो, दिल्ली विधानसभा जो कि फरवरी में आने वाले हैं, बेहद महत्वपूर्ण आम आदमी पार्टी के लिए है, तमाम मीटिंग्स जो हैं अब हमें यहीं से देखने को मिलेंगी। विधानसभा का काम हो, ये नई दिल्ली का एरिया है, वीवीआईपी एरिया है, लुटियंस दिल्ली लगता है। और यहां पर अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल की कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो नई दिल्ली है और उन्होंने इसका जिक्र भी किया था कि वो जब घर ढूंढ रहे थे तो प्रायोरिटी जो है उन्होंने अपनी विधानसभा को दी थी और इसीलिए ये वजह है कि वो नई दिल्ली में आकर रह रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी का दफ्तर भी पास में है, क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल की बात करें तो वो संयोजक है आम आदमी पार्टी के, तो पार्टी का काम भी करना उनके लिए बेहद आसान हो जाएगा। फिलहाल बात करें तो अब अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के साथ इस नए बंगलों में शिफ्ट हो गए। बिल्कुल, तस्वीरें लगातार नजर भी आई। स्वागत कैसे किया गया अशोक मित्तल की तरफ से? अब बिल्कुल देखिए, तैयारियां कल से ही चल रही थी, हमने कल भी दिखाया किस तरीके से उनका सामान जो है वो यहाँ आना शुरू हो गया था। अगर उनके पुराने सीएम आवास की बात करें तो उसमें भी अगर उनका बड़ा आवास था, वहां पर अरविंद केजरीवाल लगभग 10 साल से रह रहे थे और अब अरविंद केजरीवाल जो है इस नए जो अशोक मित्तल का आवास उनको अलॉटेड है वहां पर शिफ्ट हो गए हैं। उसकी तैयारियां भी कल से चल रही थी, आज सुबह भी जल्दी जो है यहाँ पर वर्कर्स पहुंच गए थे, अशोक मित्तल खुद यहाँ कल भी पहुंचे थे और आज भी सुबह से ही अंदर मौजूद है।
और बेहद तैयारियां जो है, गुलदस्ते जो है वो मंगाए गए थे और फूलों के साथ स्वागत जो है वो अरविंद केजरीवाल उनके परिवार का यहाँ पर किया गया है। बेहद उत्साहित जो है अशोक मित्तल नजर आ रहे थे, क्योंकि बहुत ग्राउंड से अशोक मित्तल जो है एक सांसद बने हैं और उसके बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री जो है अब उनके साथ आकर रह रहे हैं। और उन्होंने इसका जिक्र भी किया कि जनता जो है वो एक बार फिर उन्हें जिताकर मुख्यमंत्री बनाएगी और उनको उनका अधिकार जो है एक बार फिर से मिलेगा। तो ये तो देखने वाली बात होगी आखिर जनता के मन में क्या है। लेकिन अगर आपको बताएं तो लगातार आप देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए भी लोग जो है वो अंदर जा रहे हैं उनसे मिलने की कोशिश के लिए, और लगातार अंदर भी फूल जा रहे हैं, फूल जा रहे हैं अंदर हैं। अब आपको बता दें कि क्योंकि पूजा जी बिल्कुल देखिए तैयारियां, अगर तुलसा की बात करें क्योंकि तुलसा पूजी जाती है और नए घर में रखी जाती है, तुलसा जो है वो भी अंदर जा रही है और इसी के साथ ही फूल का बंडल जो है वो अंदर जा रहा है। और वहीं पूजा पाठ की जो बात है वो भी कही गई है, पुजारी जो है वो भी अंदर गए हैं। तो अरविंद केजरीवाल जब अंदर जाएंगे तो पूजा पाठ के साथ इस घर में आरंभ जो है वो शुरू होगा उनका। जी एक और जानकारी दीजिए, यहाँ से जो आम आदमी पार्टी का नया मुख्यालय है वो कितनी दूरी पर है? लेकिन बहरहाल ये तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। बिल्कुल देखिए तस्वीरें अगर आप जी 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 बोलिए आप आरजू, तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं जब अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे 5 फिरोशा रोड पर तो कैसे स्वागत उनका किया गया था। जी बोलिए। जी बिल्कुल तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और जो गाड़ी आप देख रहे हैं, जो एम्बुलेंस जहां पर खड़ी है यही वो गली है जहां से हम अंदर जाएंगे और जस्ट इस घर के पीछे आम आदमी पार्टी का कार्यालय जो है वो मौजूद है। तो यानी कि यहां से लगभग 500 की मीटर की दूरी पर आम आदमी पार्टी का दफ्तर जो है वो मौजूद है। तो बेहद करीब जो है वो अब पहुंच चुके हैं। अगर सिविल लाइन्स की बात करें तो यहां से लगभग आधा घंटा जो है सिविल लाइन्स जाने में लगता है और उनका सीएम आवास वहां पर मौजूद था और 10 साल उन्होंने वहीं रहकर काम जो है वो किया है। और ये आम आदमी पार्टी का भी नया दफ्तर है, ये भी ध्यान रखने की बात है क्योंकि पुराना दफ्तर जो है वो आईटीओ पे मौजूद था, अब देखा जाए तो नया दफ्तर भी यहीं पर है और अरविंद केजरीवाल का नया आवास जो है वो भी यहीं पर मौजूद है। तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई थी और जब अरविंद केजरीवाल यहां पर पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत जो है वो अशोक मित्तल की तरफ से किया गया, क्योंकि अब अशोक मित्तल के साथ ही अरविंद केजरीवाल जो है वो रहने वाले हैं। आने वाले जो महीना है वो बेहद महत्वपूर्ण, चाहे आम आदमी पार्टी के लिहाज से हो या फिर के लिहाज से हो, वो अरविंद केजरीवाल के लिए रहने वाला है। और इसीलिए हमने देखा किस तरीके से उन्होंने जब बात की, उन्होंने कहा कि मैं आप में से ही किसी के घर में जाकर अब रहने वाला हूं। और तभी आम आदमी पार्टी के जो तमाम लीडर्स थे उन्होंने अपना घर ऑफर किया, उसमें से अशोक मित्तल का घर जो है वो सिलेक्ट किया गया है। तैयारियां लगभग अभी भी बात करें तो अंदर पूरी की गई है, पंडित जी को बुलाया गया है और अंदर जब अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे तो अंदर भी पूजा पाठ के साथ जो है वो प्रवेश जो है इस घर का किया जाएगा। आरंभ जो है इस घर में वो अपने इस दिन का करेंगे और नवरात्रि का। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी तमाम अपडेट्स ग्राउंड जीरो से हम तक पहुंचाने के लिए। तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अब सरकारी आवास को भी खाली कर चुके हैं और उनके नए ठिकाने के तौर पर पता उनका अब से 5 फिरोशा रोड होगा।